Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode and a brand new vlog. आज की सुबह अपने घर में अपनी नई साइकिल पे अपन कर रहे हैं कार्डियो और ये बहुत मोटिवेशन लगता है मुझे जब सुबह सुबह. इसके लिए मैंने पर्पसली साइकिल इधर रखी ताकि जब भी कभी दिल होता है खाली ऊपर करके देख लूँ तो याद हाँ यार कितना कुछ अचीव करना है, कितनी सारी जगह खाली पड़ी है. सो वेल अभी मैं कार्डियो कर रहा हूँ. कार्डियो करने के बाद में आई हैव टू गो एंड डू शेविंग. कुछ कपड़े को इस्त्री कराने गए, वो नीचे देते हुए चले आऊंगा भैया को. ये अपने इधर कितना मस्त है ना, इस्त्री कराने का तो नीचे देते तो दुबई में कौन करता होगा. पॉइंट है, इसके बारे में सोचेंगे. तो फिलहाल कार्डियो करते, इस्त्री कराते और दाढ़ी बनाते फिर आते हैं. तो शेव कराने का तो टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं नीचे उतरा था कपड़े को आयरन कराने के लिए और जब शेव कराने गया तो मालूम पड़ा वहाँ पे वेटिंग है. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करते, शेव वहाँ पे करा लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. एंड शर्ट वर्ट पहन के छोकरा हैंडसम बन के निकल चुका है. और मुझे कल एक मैसेज आया था, अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसके अंदर मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भाई हमारी भी रिक्शा में कभी ट्रैवल कर लो. तो मैंने उसे मैसेज किया कि काम करो आप कल मुझे लेने आ जाओ. तो आज वो बंदा मुझे लेने आया है तो अभी मैं उसके साथ में एयरपोर्ट जाऊंगा रिक्शा में और मैं भी वेट कर रहा हूं मेरे मील का. तो ये भाई साहब मेरा मील लेके आ चुके हैं. लेके आ गए, बहुत लेट हो गए, जल्दी आ गए, मजाक कर रहा हूं, लाओ जल्दी दो. सो ऑलवेज कैरी योर मील, जितना हो सकता है ट्राई करो मील कैरी करने के लिए. फिट फूड कंपनी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. अगर आप लोग डाइट पे हो, हेल्दी ईटिंग पे हो तो फिट फूड कंपनी को कॉल करो, होम डिलीवरी फ्री में करते हैं. ये देखो तो मुदस्सिर भाई मुझे लेने आ चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. लेकिन मैंने बोला कि यार मुदस्सिर भाई के साथ बाइक तो बनती है तो इसलिए मैंने इनको बोला कि प्लीज़ रिक्शा रोक दो और रिक्शा रोक के. कैसे हो मुदस्सिर भाई? जी मैं बस बढ़िया है, आप बताओ. कल मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था तो इनका मैसेज आया कभी हमारी भी रिक्शा में आ जाओ. तो मैंने बोला आप आ जाओ मुझे पिकअप करने के लिए. थैंक यू मुदस्सिर भाई, आप आए मुझे पिकअप करने के लिए और मुझे एयरपोर्ट छोड़ रहे हो. कितनी क्या एज है आपकी? मेरी अभी 26 रनिंग है. और जिम में जाते हो आप? जी. अच्छा, वेरी नाइस. कौन से जिम में जाते हो? फिट एंट्री में, जो मरोल में. तो क्या करना, क्या चाहते हो लाइफ में? लाइफ में तो अभी फोकस है आगे, जिम में सोच रहे हैं हम आगे. जिम में सोच रहे हो तो अभी आप पैसे बना रहे हो और उसके बाद फिटनेस में कुछ करोगे. तो यही मैं बोलता हूँ गाइस कि यू नो आई एम प्राउड ऑफ दिस गाय बिकॉज दिस गाय इज वर्किंग हार्ड, मेहनत कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है कि मैं कुछ पैसे जमा करूंगा उसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करूंगा. ना कि दूसरे लोगों के ऐसा रो रहा है कि मैं गरीब हूँ मेरे पास पैसा नहीं. इंसान हर कोई गरीब होता है, मैं भी गरीब हूँ, ये भी गरीब है, हर कोई गरीब है यहाँ पे. लेकिन अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करो और किसी से भीख मांगो मत कि मैं गरीब हूँ मुझसे ये नहीं होगा. किसी से कुछ नहीं होता, पहले मेहनत करो, पैसे जमा करो, उसके बाद में कॉम्पिटिशन खेलो. सही बात है ना? जी जी, कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? एकदम सही, 100%. हाँ, तो ये एग्जाम्पल है, इनके जैसे बनो. मुदस्सिर भाई मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और कामयाबी दे. एंड थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार करने के लिए. थैंक यू. सब जन रोते रहते ये कि अपनी गाड़ी है, जितना खींच सकता उतना खींचूंगा, जितना ज्यादा कमा सकता जितना खींचूंगा. क्या बात बोली है तुमने, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये शाहरुख भाई ने बोली थी. सो एयरपोर्ट पे हम लोगों की चेक इन हो गई है. हेलो, हाय ऋतुजा, सो नाइस सीइंग यू. ओ माय गॉड, ऋतुजा इन द हाउस. तो मैं अभी मील खा रहा हूँ बिकॉज राज भाई को आने में टाइम लगेगा और मुझे बहुत भूख लग रही बिकॉज मैंने सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है. ये क्या ऐसे ऐसे नीचे, ये मील है ऐसा मत देख पगली. मील को ही देख रही हूँ तो ऐसे ले खा ले, ले खा ले. मेरे पास एक्स्ट्रा मील है, मेरे पास एक्स्ट्रा मील है, मैं लेके आता हूँ. मुझे पता रहता है कोई ना कोई. वैसे यार एयरपोर्ट में मैं अचानक बुरा लग रहा हूँ. नाइस, बाल भी अच्छे लग रहे. शेव कराने का टाइम मिला, आई होप कि बेलगाम में मिल जाए शेव करवा लूँगा, वरना वैसे तो जेके हैंडसम. बराबर है, बराबर है ऐसा, ये बराबर है मेरा दोस्त बोलता था मेरे को, उसकी याद आ गई, बराबर है. तो देखो डायरेक्टर साहब आ चुके. अरे इधर आ, इधर आ, इधर आजा आजा, आ गया तू, आ गया, चला आ गया. डायरेक्टर साहब आ चुके. क्यों इतना लेट हो गया राज भाई? अरे वो ओला की वजह से. और क्या बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले? हर बार झूठ बोलते हैं ब्लॉग में कि मैं लेट होता हूं और ये खुद लेट होते हैं. आज तो मैंने प्रूफ दिया लोगों को, आज मैंने प्रूफ दिया. ऋतुजा कितना, एक घंटा बैठे अपने? मैं देख, मैं सबसे पहले मैं आता हूँ यार, कोई कदर ही नहीं है. अरे किधर जा रहे हो राज भाई? बोल राज ऐसा आ रहा था.
लैंडेड इन बेलगाम एंड क्या बोली थी ऋतुजा तू? क्या बोली थी बोलना? किसमें शुगर नहीं है? हॉर्लिक्स में क्या नहीं है? हॉर्लिक्स में यहाँ पे लिखा है नो एडेड शुगर। एंड व्हाट अबाउट द शुगर व्हिच इज ऑलरेडी इनसाइड? हां तो पी ले तूने बचपन में। हां आई विल पाउच लेक्स आई विल नॉट ट्राई दिस। तो तूने कभी पी नहीं ना हॉर्लिक्स? तो आज पी ले चल ठीक है। बोन वीटा पिए थे फिर भी हाइट नहीं बढ़ी। हमारे इंद्रजीत सर आ गए हमको पिकअप करने के लिए। कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। वेलकम टू SOS फैमिली। थैंक यू। मजा आ रहा है? रिस्पांस अच्छा है? यस सर बहुत अच्छा है। बेलगाम में फर्स्ट टाइम है मेरा, आपको लेके जाना पड़ेगा मुझे इधर उधर घुमाने। यस 100% सर। कुछ मैं सुना यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। आजकल ऑफ सीजन में सिर्फ खाना ही ढूंढता हूँ। डिनर कितना खदोड़ी ने खाई है। वेजिटेरियन बुल, बाप रे बाप। लेकिन आज बताऊंगा कि बेलगांव के बारबेक्यू नेशन में जरा भी मजा नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ नाम के लिए खाना पड़ा बिकॉज खाना खाने आए थे, लेकिन मजा नहीं आया। अदर बारबेक्यू नेशंस आर बेटर, बट बेलगांव के बारबेक्यू नेशन में मजा नहीं आया। नाउ आई एम सो टायर्ड, बट आई हैव सम वर्क टू डू एट होटल। मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स के प्लान बनाने बहुत, आजकल मैं फुल डेडिकेटेड हूँ। हर रात में 2 घंटे अपने ऑनलाइन क्लाइंट पर ध्यान देता हूँ ताकि उनके प्लान मिस ना हो। और आज तो संडे है तो मंडे के दिन तो उनको नया स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ, होटल पे जाके उनका प्लान बनाऊँगा और उनको भेजूँगा। सो आज के लिए इतना ही रखते। इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, समझ गया ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर फीमेल। इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर फीमेल ऑनलाइन ट्रेनिंग, कॉन्टेस्ट प्रेप, जनरल फिटनेस, कॉन्टैक्ट पोजिंग ऑल्सो, कम टू मी, कॉन्टैक्ट मी। वेर ऋतुजा ऑन माई इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी ऋतुजा@yahoo.in। इनको फाइंड कर लेना। और इट्स ईजी टू फाइंड बिकॉज देर इज ओनली वन ऋतुजा। तो आज के लिए इतना ही रखते। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का भाग।